जीते हैं चुनाव, क्या कहेंगे, किसकी जीत मानते हैं? ये वाराणसी क्षेत्र की जनता की जीत है, ये हमारे कार्यकर्ता की जीत है। हमारे क्षेत्र में लड़ाई थी अहंकार की और शिष्टाचार की, शिष्टाचार जीता है, सच्चाई की जीत हुई वाराणसी में, अहंकार का अंत हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, क्षेत्र की जनता की जीत। मैं पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ चुनाव जनता लड़ रही थी और चुनाव जनता जीती है। रुझान तो अप्रत्याशित है, किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। 12 बार की फाइट थी, लग रहा था सरकार कांग्रेस की बनेगी, पर 160 और 165 विश्वास नहीं लोगों को, अच्छे लोग हार गए, विश्वास नहीं हो रहा हमको कैसे हुआ, ये लगता नहीं था ऐसा होगा। पर जो माहौल बना था कांग्रेस का, उस तरीके के रिजल्ट नहीं आए हैं। हमारे मेहनत करने वाले नेता हार गए, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, संजय शुक्ला, सज्जन वर्मा, कमलेश्वर पटेल, ऐसे लोग हारे जो जमीन पर काम करते हैं। कोरोना काल में संजय शुक्ला ने करोड़ रुपए की उन लोगों मदद किया, ऐसे लोग हार गए, विश्वास ही नहीं हो रहा हमको। समझ बता रहे थे हमारे एग्जिट पोल कांग्रेस जीतेगी, 2 दिन पहले नया एग्जिट पोल आया और रिजल्ट भी वैसे ही आ गया। क्या कारण मानते हैं? मुझे तो कुछ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा इस पे, कारण क्या रहा होगा? यकीन नहीं हो रहा है। कोई ना कोई बात मानते हैं कि महिलाओं को जो लाडली बहना बालाघाट में भी थी, परसवाड़ा में थी, ओपीएस को जो कांग्रेस भुंजाना चाह रही थी वो नहीं भुंजा। नहीं नहीं, ओपीएस का सहयोग मिला है, कर्मचारियों ने हमारा साथ दिया है। जीत का श्रेय किसे मानते? पूरे मध्य प्रदेश में मिलना था, बालाघाट अकेले हमें तो रिजल्ट जो प्रदेश में जो सहयोग मिला है, सहयोग मिला है 100% मिला है, कर्मचारी हमारे साथ खड़ा था। और पता नहीं प्रदेश में क्या हुआ, विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो रिजल्ट बताइए कहीं ना